Here we are talking about preparation of patient's unit in hospital. There are few factors which are considered essential for optimum environment for the clients. First is adequate lighting during day and night. Second is provision of an atmospheric temperature and humidity that promotes normal body functions. Third is sufficient air movement to evaporate sweat and favor vascular changes within the skin. Fourth is atmospheric pressure within patient's tolerance. Fourth is provision for disposal of refuse and excreta. Sixth is removal of dust, injurious chemicals and pathogenic bacteria from the atmospheric air. Seventh is reasonable cleanliness of all surfaces and furnishings that the individual is likely to handle. Eighth is dwelling place free from insects, animals, fire hazards, mechanical injuries, electric shocks, radiation and poison. Ninth one, freedom from disagreeable odors and noises, harmony of color and design in the immediate surroundings, provision of privacy and etc. So these factors we should keep in mind to provide optimum environment for the patients. आज हम बात करेंगे कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में. ऐसे कौन से कंफर्ट डिवाइसेस हैं जो हॉस्पिटल साइड पेशेंट के कंफर्ट के लिए हम यूज करते हैं. आइए सबसे पहला कंफर्ट डिवाइस वी विल सी दिस वन, बैकरेस्ट. ये बैकरेस्ट है. बैकरेस्ट एक ऐसा कंफर्ट डिवाइस है जो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन के अंदर हेल्प करता है. इस बैकरेस्ट को हम मैट्रेस के नीचे की तरफ रखते हैं और इसका एंगल हम एडजस्ट करते हैं. जिस एंगल में हमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देना है उस एंगल में हम इसे सेट करते हैं, जिससे कि पेशेंट आसानी से इसके ऊपर सपोर्ट लेकर बैठ सके. आजकल हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेड्स अवेलेबल हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल बेड, मैनुअल बेड. तो इन बेड में हमें अलग से बैकरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इन्हें हम मैन्युअली या बाय रिमोट कंट्रोल हेड एंड साइड को हम एलिवेट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट अच्छी तरह से बैठ सके. नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस की अगर हम बात करें तो वो है पिलोस. एक्स्ट्रा पिलोस जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका बॉडी अलाइनमेंट है वो बना रहे. नेक्स्ट डिवाइस है हमारा फुटरेस्ट. फुटरेस्ट ये पेशेंट के फीट के आगे रखा जाता है, जिससे कि पेशेंट के फीट को सपोर्ट मिले और कंफर्ट मिले और फुट ड्रॉप जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फुटरेस्ट रखते हैं. नेक्स्ट डिवाइस की अगर हम बात करें वो है इस टाइप की रबर एंड कॉटन रिंग्स. ऐसी कॉटन रिंग्स आती हैं और रबर रिंग्स भी आती हैं. ये क्या करती है, पेशेंट के जो सर्टन बॉडी एरियाज हैं लाइक एल्बो, हील्स, इन पार्ट्स के ऊपर जो प्रेशर आता है बेड पे, जिससे कि पेशेंट को बेड सोर होने का चांसेस रहता है, तो ये प्रेशर वो रिलीव करती है. इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि स्किन पर प्रेशर आने की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से आगे चलकर प्रेशर सोर, अल्सर या फिर बेड सोर जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होता है. ये सारे एरियाज हाईली बेड सोर रिस्की एरियाज हैं. इसीलिए इसे कंफर्ट के लिए यूज किया जाता है.
नेक्स्ट हमारा कंफर्ट डिवाइस है वो है एयर मैट्रेसेस एंड वाटर मैट्रेसेस, इसे हम एयर बेड एंड वाटर बेड भी कहते हैं। पेशेंट्स जैसे कि बहुत ही थिन है और ओबेस पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को बोनी प्रोमिनेंसेस जो एरियाज है जैसे कि बैक साइड ऑफ द हेड, शोल्डर, राइट, देन एल्बो, देन सैक्रम बोन, हील्स, इस एरियाज पे बेड सोर या फिर प्रेशर सोर रहने का चांसेस बहुत ही रहता है। तो ऐसे एरियाज पे बेड, वाटर बेड या फिर एयर मैट्रेस के थ्रू उनके सारे प्रेशर बॉडी पार्ट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए हम उन्हें एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसका यही प्रिंसिपल है कि बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ऑल ओवर द बॉडी वो इक्वली सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए एयर बेड और हम वाटर बेड यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस की अगर हम बात करें तो वो है एयर कुशन। ये राउंड होती है शेप में और रबर की बनी हुई होती है, इसे हमें इन्फ्लेट करना होता है यहाँ से और फिर इसे कवर लगाकर हम पेशेंट्स को देते हैं। ये एयर कुशंस मेनली पेशेंट के बॉडी पार्ट्स का प्रेशर रिलीव करने के लिए होती है, राइट। ये राउंड है, इसे ये बटक्स के एरिया पर नीचे की तरफ इजीली एडजस्ट हो जाती है। कंफर्ट डिवाइस है हमारा सैंड बैग्स। सैंड बैग्स हम इसे कहते हैं कि इन बैग्स में सैंड भरी हुई होती है, ये काफ़ी हैवी रहती है और इसका यूज़ हम पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। एज वेल एज फ्रैक्चर पेशेंट है तो ऐसे बॉडी एरियाज को हम इमोबिलाइज करने के लिए भी सैंड बैग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो वो है बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स हम इसे बेड के नीचे फुट एंड साइड या फिर हेड एंड साइड हम नीचे रखते हैं, एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि फुट एंड साइड को या हेड एंड साइड को हम एलिवेट कर सकें, राइट। ये ऐसी कंडीशंस में हम लगा सकते हैं जैसे कि अगर हमें पेशेंट को शॉक से बचाना है, हेमरेजिक कंडीशन हो गई है, एनिमा के बाद अगर हमें रिटेन करना है, स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया है, तो हम इसे बेड ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये वुडन के बने हुए भी आते हैं और मेटल के बने हुए भी आते हैं, एडजस्टेबल बेड ब्लॉक्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम चलते हैं, दिस इज बेड क्रेडल। ये बेड क्रेडल है जो बेड के ऊपर हम रखते हैं, ये मेटल का बना होता है, आयरन का बना होता है, इसमें पेशेंट को हम बीच में सुला देते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बर्न्स पेशेंट हो या फ्रैक्चर वाला पेशेंट हो, तो ये जो ब्लैंकेट का जो प्रेशर है पेशेंट के बॉडी वेट पे वो ना आए, इसीलिए हम बेड क्रेडल यूज़ करते हैं। ये डिवाइस है कार्डियक टेबल, इसे हम कार्डियक टेबल कहते हैं बिकॉज हम इसे कार्डियक कंडीशंस में यूज़ करते हैं। कार्डियक के कोई डिसऑर्डर्स हैं तो हम ऐसे पेशेंट्स को कार्डिक टेबल प्रोवाइड करते हैं। कार्डिक कंडीशंस में पेशेंट ब्रिथलेस हो जाता है, इट्स लाइक अस्थमा एंड ऑल, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट सिटिंग पोजीशन लेता है, कार्डिक टेबल हम उसे देते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पिलोज रखते हैं जिससे कि पेशेंट आगे की तरफ झुक कर कंफर्टेबली बैठ सकता है सपोर्ट लेकर। इसके अलावा अगर हम इधर पिलो नहीं रखते तो ये टेबल पेशेंट लिखने के लिए काम में ले सकता है, खाने पीने के लिए भी पेशेंट इसे काम में ले सकता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ट्रोकांटर रोल्स। ये रोल्स हमारे हिप जॉइंट को एक्सटर्नल रोटेशन होने से रोकता है।